कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे विपरीत प्रतिज्ञा के विषय में। ये सिर्फ जानकारी ही नहीं, यह एक बहुत ही अच्छी साधना और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको हर किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे परेशान व्यक्ति हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग कंटिन्यू चलता रहता है। कोई सततावश उन पर प्रयोग चलाता है, कोई संपत्ति विवाद पे उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करवाता है, कोई अन्य किसी कारण से प्रेमवश या इच्छावश उन पर प्रयोग करवाते हैं। और प्रयोग ऐसा होता है जो कि काटे नहीं करता है, आप जगह जगह धक्के खाते रहते हैं, मारे मारे फिरते रहते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं तो वो कहता है बीमारी है। अगर आप किसी साधक पे या तांत्रिक पे या बाबा पे, ओझा पे आप जाते हैं तो वो कहता है आपके ऊपर तंत्र क्रिया है। लेकिन आपको जो लाभ मिलता है वो क्षणिक होता है, यानी दो चार दिन का ही होता है, उसके बाद आप फिर वैसे हो जाते हैं। चाहे वो आप मेडिसिन ले रहे हों, चाहे वो आप कोई तंत्र क्रिया करवा रहे हों, किसी तांत्रिक ओझा से आप झाड़ फूँक करवा रहे हों, ऐसे में आपका जो प्रयोग है उस प्रयोग को नष्ट करने के लिए, काटने के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ, अघोर विपरीत प्रतिज्ञा। ये मंत्र वैसे आम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने ये मंत्र रख रहा हूँ, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने में आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है हम आपको सिंपल तरीके से बताने जा रहे हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई तामसिक प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ये जो विद्या है ये अघोर विद्या है। इस विद्या का प्रयोग असुर लोग किया करते थे, तामसिक पर्वत के जो लोग हैं उसका ये प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी के जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, तामसिक हैं, अघोरी हैं, वह लोग इस विद्या का, इस मंत्र का जो प्रयोग करते हैं। देवी प्रतिज्ञा के विषय में हर कोई जानता है, लगभग लगभग जितने तंत्र लाइन से जुड़े हुए लोग सभी लोग जानते हैं। इनका जो मंत्र होता है वह मंत्र जिस पे चलता है वह कार्य करता ही करता है। और देवी प्रतिज्ञा का मंत्र को किसी भी प्रयोग को, अन्य चीज़ को काटने के लिए विपरीत प्रतिज्ञा मंत्र होता है, जो कि किए कराए हुए तंत्र को नष्ट करता है, वापस करता है उसके कई गुना ज़्यादा वेग से, जितनी पावर में आपके ऊपर तंत्र किया गया है उससे कई गुना पावर में वह प्रयोग विपरीत यानी वापस जाता है करने वाले के ऊपर। तो आज मैं आपको मंत्र बताता हूँ, तो आप लोग सबसे पहले मंत्र नोट करें, उसका विधान नोट करें। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम विपरीत प्रतिंगिरे हुम फट। ओम ह्रीम क्रीम विपरीत अघोर विपरीत प्रतिंगिरे हुम फट। तो आप इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, हमने बिल्कुल आराम से पढ़ के बताया है, मैं इसको लिख के भी आपको दे दूंगा। आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, कंठस्थ करने के बाद आप इसका पाठ कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा, आप अगर माला से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर माला से नहीं करते हैं तो आप करीब आधे घंटे तक इसका पाठ कर लीजिएगा। मंत्र को बोल बोल के कीजिएगा, मानसिक मत कीजिएगा। मंत्र की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो इतनी होनी चाहिए जो आपके कमरे से, आपके स्थान से ज़्यादा बाहर ना जाए, यानी कि ज़्यादा लोग इसका जो उच्चारण आप कर रहे हैं उसे ना सुने। सामने धूप बत्ती जला लें, धूप बत्ती जलाने के बाद आखिर में कम से कम 108 बार अंदाजे से करना चाहें तो अंदाजे से हवन कर दीजिएगा। अगर नहीं अंदाजे से करना चाहते हैं, आप माले से कर रहे हैं, तो एक माला कर दीजिएगा। याद रखिएगा, जब आप यह प्रयोग कर रहे हों तो आप ध्यान रखिएगा 11 दिनों तक का संकल्प लेकर के आप प्रयोग कीजिएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत है आपको, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप 21 दिनों का संकल्प लेकर के आप कर लीजिएगा।
अगर आप माला से कर रहे हैं तो 11 माला नित्य कर लीजिएगा। अगर आप माले से नहीं कर रहे हैं तो लगभग आधे घंटे तक नित्य कर लीजिएगा। सामने धूप बत्ती जलाइएगा, अपने गुरु को नमन कीजिएगा, अपने इष्ट को नमन कीजिएगा। उसके बाद माता प्रतिंग्रा से विनम्र प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, मैं ये प्रयोग अपने ऊपर जो किए कराए तंत्र हैं, अपने परिवार पे जो किए कराए तंत्र हैं, वहाँ पर आप अपना नाम बोलेंगे कि मैं इसको नष्ट करने के लिए, इसको वापस करने के लिए मैं आपका पाठ करने जा रहा हूँ, मैं आपके मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा संकल्प जल और चावल लेकर के कर लीजिएगा। करने के बाद आप पाठ करिएगा। इसमें आपको किसी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है, कवच की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने गुरु का नमन करते हैं यही आपके लिए कवच होता है, जब आप अपने इष्ट का नमन करते हैं यही आपके लिए कवच होता है। और इसको आप कई शमशान भूमि में नहीं जाना है, कोई तामसिक भोग नहीं देना है, सिर्फ आप इसका पाठ करेंगे, धूप बत्ती जला के पाठ करेंगे और शाम को अंतिम क्षण आप एक माला का लगभग लगभग हवन कर देंगे। हवन बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा, सात्विक रहेगा, जैसे नॉर्मल हवन हम लोग अपने घरों पे करते हैं। तो आप लोग इसका प्रयोग कीजिएगा, आप देखिएगा आपके ऊपर जितना भी तंत्र किया कराया है यह नष्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, ये प्रयोग आप स्वयं के लिए कीजिएगा, दूसरे के लिए मत कीजिएगा। और जो पुराने साधक हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, साधनाएं करते हैं, अगर वह चाहे तो दूसरे के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं, अनाड़ी साधक हैं, वो सिर्फ अपने लिए इसका प्रयोग करें। इसका कोई भी साधक, कोई भी साधिका इसका अभ्यास कर सकते हैं। माला आप रुद्राक्ष की रखिएगा, दिशा उत्तर रखिएगा। आसन आप कोई सा भी ले सकते हैं, कपड़े कोई सा पहन सकते हैं। आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई साधना वाला बाउंडेशन नहीं है। आप ग्रस्त हैं तो आप अपना ग्रस्त जीवन में रह करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको प्रयोग को कीजिए और अपने आप को लाभ पहुंचाइए। और जो ऐसे साधक हैं जो सामने वाले व्यक्ति को लाभ देना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ दे सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।